एंड वेलकम आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज होमोजीनियस विच इज लीनियर एंड विथ कॉन्स्टेंट को लेकिन आप सब जानते हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं और वो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है ऐसा मान लीजिए कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन था और उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन कुछ इस तरीके से आया a इंटू डी स्क्वायर प्लस बी इंटू डी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो नाउ सीस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको पता है कि इसको सॉल्व करने के बाद इसके दो रूट्स मिलेंगे तो वो दोनों रूट्स या तो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स रहेंगे या तो रियल नंबर रहेगा लेकिन रिपीट होगा या वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं मान लीजिए अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिले तो मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिला अल्फा प्लस आई बीटा वेर आई इज इमेजिनरी नंबर हुज वैल्यूज वैल्यू इज अंडर रूट माइनस वन तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है कॉन्जुगेट मीन्स मिडल साइन सिर्फ चेंज करना है तो ये भी रूट होता ही है ऑलवेज तो अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स रूट मिल गया तो दूसरा कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा उसका कॉन्जुगेट नंबर ही रहता है ऑलवेज जब हमें इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट मिलेंगे ऐसे तो इन दैट केस हमारा जनरल सॉल्यूशन कैसे होगा तो आप सब तो जानते हो कि जितने रूट होते हैं उतने हमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स लेना होता है तो मान लीजिए हमने लिखा y इज इक्वल टू एक आर्बिटरी कांस्टेंट लिया c1 फिर उसके सर पे हमें वो रूट लिखना होता है एक तो वो एक है अल्फा प्लस आई बीटा और x लिखा प्लस दूसरा आर्बिटरी कांस्टेंट हमने लिया c2 टू इन टू ई टू द पावर दूसरा रूट अल्फा माइनस आई बीटा और उसको भी एक्स से मल्टीप्लाई किया तो बेसिकली हम सॉल्यूशन ऐसा लिखते हैं, लेकिन क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स है इसलिए इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई किया जा सकता है तो मैं आपको बताता हूं कि हाउ टू सिंप्लीफाई दिस तो सी वन का वन लिख देते हैं एक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को और ये एडिशन है तो इंडाइसिस के रूल के हिसाब से ये सेपरेट लिखा जाएगा इन टू आई बीटा एक्स सेपरेट लिखा जाएगा प्लस सी टू इंटू ई टू द पावर अल्फा एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस आई बीटा एक्स ये भी सेपरेट लिखा जाएगा अब जब हम इन दोनों टर्म को देखेंगे तो इस दोनों टर्म में एक क्वांटिटी ऐसी है जो जो डिफरेंट है और एक क्वांटिटी जो है वो ये सेम है देखिए e टू द पावर अल्फा एक्स यहां भी है और e टू द पावर अल्फा एक्स यहां भी है तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं तो अगर हम इसको कॉमन लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा e टू द पावर अल्फा एक्स शुड बी कॉमन तो यहां बचेगा c1 वन टू द पावर आई बीटा x प्लस सी टू ई e the power minus i बीटा एक्स अब हमारे पास एक फॉर्मूला है डी थ्योरम और वो डी थ्योरम क्या होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड मैं यहां लिखता हूं ई e के सर पे जब आई इन थीटा रहेगा तो इसका आंसर होता है कॉस ऑफ दिस एंगल थीटा प्लस आई इन टू साइन ऑफ सेम एंगल और अगर ई टू द पावर माइनस आई थीटा होगा तो उसका आंसर हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्योंकि यहां माइनस है तो यहां माइनस आएगा ये आंसर लिखा जाएगा तो इसको बोलते हैं डी मोयस थ्योरम और इस थ्योरम का इस्तेमाल अब हम यहां करेंगे e टू द पावर अल्फा x एज इट इज ये सीवन एज इट इज अब देखिए यहां पर i को मल्टीप्लाई हो रहा है बीटा x तो हमारा एंगल बीटा x हो गया तो इसका पूरा आंसर इस फॉर्मूले के हिसाब से आएगा कॉस ऑफ बीटा x प्लस i इन टू साइन ऑफ बीटा x ठीक है प्लस c2 टू और इसका आंसर आएगा कॉस ऑफ बीटा एक्स और क्योंकि यहां माइनस साइन है तो माइनस आई साइन ऑफ बीटा एक्स ठीक है तो इसको कर देते कंप्लीट नाउ अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा अब वन मल्टीप्लाई होगा C2 टू मल्टीप्लाई होगा यहां भी कॉस बीटा एक्स है यहां भी कॉस बीटा एक्स है तो हम क्या करेंगे C1 वन प्लस सी टू कॉस बीटा एक्स मतलब यहां की फर्स्ट टर्म और यहां की फर्स्ट टर्म एक साथ लेकर उसमें से कॉस बीटा एक्स कॉमन निकालेंगे और यहां पर मिलेगा आपको सी वन आई प्लस सी टू आई सॉरी माइनस रहेगा या माइनस है आए और यहां से कॉमन निकलेगा साइन बीटा एक्स अब सी वन कौन था आर्बिट्री कांस्टेंट सी टू कौन था अर्बिट्री कांस्टेंट दो अर्बिट्री कांस्टेंट का एडिशन अगेन आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा और उस अर्बिट्री कांस्टेंट को हम किसी और नंबर से या और नोटेशन से डिनोट करेंगे तो ये जो टोटल कांस्टेंट है उसको अब मैं बोलता हूं कैपिटल ए हाँ? वो कांस्टेंट ही रहेगा इन टू ऑफ ऑफ एक्स प्लस ये जो कांस्टेंट है उसमें आई इज ए इमेजिनरी नंबर वो भी कांस्टेंट ही होता है तो ये सी वन आई माइनस सी टू आई इस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं बी और फिर ये साइन एक्स भी एज इट इज रहेगा तो हमारे समझ में ये आया फाइनली अब फाइनली मैं जो आपको समझा रहा हूँ ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए बोला है कि ये कैसे आता है फाइनली मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जब आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स रहेंगे तो उसमें ये जो अल्फा है उसको बोला जाता है रियल पार्ट और बीटा को बोला जाता है इमेजनरी पार्ट तो वंस यू गॉट कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ रूट तो आप ये सारी चीजें समझने के बाद एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त ये सारी चीजें नहीं करेंगे जब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे तो आप डायरेक्ट आंसर ऐसा लिखेंगे वाई इज इक्वल टू ई लिखना है आपने जो भी कॉम्प्लेक्स रूट आपको मिला उसका रियल पार्ट यहां लिखना है इन लिखना है फिर ब्रैकेट दो आर्बिटरी कांस्टेंट लेने हैं नाम चाहे ए बी दीजिए या वन, सी टू दीजिए आपकी मर्जी लेकिन दो आर्बिटरी कांस्टेंट आप लेंगे तो हम लेते हैं ए या वन भी ले सकते हो आप फिर आपने कॉस लिखना है और कॉस के अंदर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजनरी पार्ट है वो लेना है उसको एक्स से मल्टीप्लाई करना है प्लस दूसरा कॉन्स्टेंट लिखना है साइन लिखना है फिर इमेजनरी पार्ट लिखना है सिर्फ और उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो भी होगा अब हम यहां पर एक्स कंसिडर कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करना तो ये रहेगा आपका फाइनल सोल्यूशन जब भी आपको कॉम्प्लेक्स रूट मिलेंगे तो ये शायद आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स रूट्स जब हमें मिलेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन के तो हमें कैसा करना है अब हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल से आप सीख जाओगे कि वट वी शुड डू वेन द रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से हम लेते हैं एक एग्जाम्पल सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट इज डी टू वाई बाय डी एक्स प्लस एट डी वाई बाय डी एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव वाई इज इक्वल टू जीरो राइट साइड में जीरो है मतलब ये होमोजीनियस है लीनियर भी है और कांस्टेंट को भी है तो अब सबसे पहले हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेंगे ऑपरेटर फॉर्म में लिखेंगे तो ऑपरेटर फॉर्म मतलब लाइक दिस यहाँ दो बार ऑपरेटर है डी टू बाय डी एक्स प्लस एट सिंगल ऑपरेटर डी बाई डी एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव और सब टर्म में से y कॉमन निकालेंगे इक्वल टू जीरो देयर फोर ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ये ब्रैकेट आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन देगा तो यहां दो बार ऑपरेटर किया है तो यहां हम लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस एट इंटू डी प्लस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू जीरो नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब इसको सॉल्व आप किसी भी तरीके से कर सकते हो चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से कीजिए या क्वाड्रेचर फॉर्मूले से कीजिए या फिर बेबीलोनियन मेथड से कीजिए तो पिछले वीडियोज में मैंने बेबीलोनियन मेथड बताया था आप वो मेथड भी यहाँ यूज कर सकते हो लेकिन आपको और एक मेथड जो आपने ऑलरेडी पढ़ी है वो है क्वाटरेचर फॉर्मूला तो यहां डी स्क्वेयर का कोई कुछ नहीं मतलब वन है तो उसको हम ए से डिनोट करेंगे डी का कोई प्लस एट है उसको हम बी से डिनोट करेंगे और कांस्टेंट टर्म इज प्लस ट्वेंटी फाइव उसको हम सी से डिनोट करेंगे ना अब d की वैल्यू हमें मिलेगी फॉर्मूले से तो d इज इक्वल टू फॉर्मूला जो है आपने ऑलरेडी हाई स्कूल में पढ़ा है माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वेर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए ये फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में हम रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट अप करेंगे b की वैल्यू एट है तो ये माइनस एट हो गया प्लस और माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर दैट इज 64 फोर माइनस फोर ए की वैल्यू है 1 c की वैल्यू है 25 फाइव डिवाइडेड बाय टू ए की वैल्यू है 1 तो d आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके से माइनस एट प्लस और माइनस अंडर रूट 64 फोर माइनस ट्वेंटी फाइव इंटू फोर दैट इज अपॉन टू इसको अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस एट प्लस और माइनस अंडर रूट ये आ जाएगा माइनस थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाय टू अब देखिए थर्टी सिक्स का स्क्वायर रूट तो सिक्स आता है माइनस जो है उसका स्क्वायर रूट आता है आई तो इसका मतलब यहां पर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएंगे और इसलिए ये आपके रूट्स मिलेंगे माइनस एट प्लस और माइनस थर्टी सिक्स का रूट सिक्स और माइनस का रूट आता है आई डिवाइडेड बाय टू ये टू दोनों टर्म को डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट टर्म आपको मिलेगी माइनस फोर टू से डिवाइड होने के बाद प्लस और माइनस थ्री आई तो देखिए यहां पर रियल पार्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स ये जो रूट्स आ गए वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए तो इसमें जो रियल पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो है माइनस फोर दिस इज रियल पार्ट और थ्री जो है जो आय का कोई होता है उसको बोल देंगे हम इमेजिनरी पार्ट और ये दोनों पार्ट की जरूरत होती है इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए तो कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन? द जनरल सॉल्यूशन इज दो कॉम्प्लेक्स रूट आ गए हमारे तो यहां पर लिखेंगे हम जनरल सॉल्यूशन इज डेरिवेटिव किसका लिया था वाई का तो पहले वाई लिखिए इ रेज टू रियल पार्ट रियल पार्ट इज माइनस फोर इंटू एक्स ब्रैकेट देना है दो आर्बिट्री कांस्टेंट लेने हैं उसके नाम चाहे आप ए और बी लिख सकते हो या तो सी वन सी टू भी लिख सकते हो तो अगर मैंने सी लिया तो पहले कॉस लिखना है ब्रैकेट निकालना है इमेजनरी पार्ट थ्री है और उस थ्री को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब आपके ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन में वाई का डेरिवेटिव किस वेरिएबल से लिया है एक्स से तो एक्स लिखना है टी से लिया है तो टी लिखना है प्लस दूसरा आर्बिट्री कांस्टेंट लिखना है साइन लिखना है और ब्रैकेट में फिर इमेजिनरी पार्ट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये बन गया आपका सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गई होगी चलिए हम और एक एग्जाम्पल देखते हैं सॉल्व सॉल्व द एग्जाम्पल इज फोर्थ डेरेवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस एम रेज़ टू फोर y इज इक्वल टू जीरो ठीक है दिस इज राइट साइड में जीरो है तो ये होमोजीनियस हो गया लीनियर भी है और कांस्टेंट को भी है ठीक है अब हम क्या करते हैं इसको ऑपरेटर फॉर्म में लिखते हैं ऑपरेटर फॉर्म लिखा जाएगा फोर्थ डेरिवेटिव का ऑपरेटर लाइक दिस माइनस एम रेस टू फोर वाई हम लेंगे कॉमन इज इक्वल टू जीरो अब लिखेंगे इसका ऑक्जिलरी इक्वेशन ऑक्जिलरी इक्वेशन इज चार बार यहां डी बाई डी एक्स ऑपरेट हुआ है सक्सेसिवली तो इसलिए हम इसको लेंगे डी रेज टू फोर माइनस एम रेज टू फोर इज इक्वल टू जीरो तो ये जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल की डिग्री फोर है तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें चार रूट मिलेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अल्जेब्रा यही बताता है कि जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की उतने आपको रूट्स मिलते हैं अब चार रूट निकालने के लिए पहले इसको हम फैक्टराइज करते हैं आप जानते हो कि d रेस टू फोर कैन बी रिटर्न एज d स्क्वायर का स्क्वायर एंड m रेस टू फोर अगेन कैन बी रिटर्न एज स्क्वायर ऑफ m और उसका स्क्वायर इक्वल टू जीरो अब इसको थोड़ी देर के लिए ए मान लीजिए इसको थोड़ी देर के लिए बी मान लीजिए तो ये दिखेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका फॉर्मूला आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी ए प्लस बी अब इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे तो यहाँ बनेगा डी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर फर्स्ट ब्रैकेट में इंटू डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट क्वल टू जीरो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन जीरो है इसका मतलब फर्स्ट ब्रैकेट जीरो होगा और दूसरा ब्रैकेट जीरो होगा फर्स्ट ब्रैकेट को और सॉरी uh, ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसको हम सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे दिखेगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे दिखेगा नाउ टेक द स्क्वायर रूट एम स्क्वायर का रूट आता है प्लस माइनस एम तो डी की वैल्यू हो गई प्लस और माइनस एम लेकिन यहां पर माइनस का रूट लेने जा रहे हैं हम इसलिए माइनस का रूट आता है तो इसलिए ये प्लस माइनस एम स्क्वायर का रूट एम और माइनस का रूट i, तो आपके चार रूट कौन से हो गए देखिए एक रूट हो गया एम प्लस एम दूसरा हो गया माइनस एम तीसरा हो गया एम आई एम आई मतलब ज़ीरो प्लस एम आई आप लिख सकते हो और चौथा रूट आ गया माइनस एम आई उसको आप ऐसे लिख सकते हो तो इन चार रूट में ये दो रूट रियल है इसमें इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी पार्ट नहीं दिख रहा है और ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए तो इसलिए जो रियल आ गए जो डिस्टिंक्ट आ गए उसके लिए आपको उसका जो तरीका है सॉल्यूशन लिखने का वो लिखना होगा और जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए उनके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रूल बताया मैंने वो लिखना होगा तो टोटल हमें कांस्टेंट लगेंगे चार c1, c2, c3, c4 तो इसलिए हम जनरल सॉल्यूशन अब लिखते हैं y इज इक्वल टू ये दोनों के लिए ये रियल है और डिस्टिंक्ट है तो c1 e ई रेज टू वो रूट इन टू एक्स प्लस सी टू ई रेज टू दूसरा रूट टू एक्स प्लस अब इनका लिखना है और ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स है तो इसलिए आपको सबसे पहले ई टू पावर रियल पार्ट जो है उसको एक्स से मल्टीप्लाई करके लिखना है फिर ब्रैकेट फिर सी वन सी टू तो ऑलरेडी लिया था इसलिए अगले कांस्टेंट का नाम रहेगा सी थ्री एंड सी फोर यहां लिखेंगे आप c3 थ्री यहां लिखेंगे कॉस इमेजिनरी पार्ट इज उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आखिर का आर्बिट्री कांस्टेंट सी फोर साइन ऑफ इमेजनरी पार्ट इंटू एक्स यहाँ पर ये जीरो इंटू एक्स जीरो होता है तो एनीथिंग रेस्ट टू जीरो इज वन तो ये वैल्यू आप आखिर में वन कर सकते हो क्योंकि इसकी वैल्यू वन आएगी तो इसलिए आपका फाइनल सॉल्यूशन जो मिलेगा वो बनेगा सी वन ई टू द पावर एम एक्स प्लस सी टू टू द पावर माइनस एम एक्स प्लस सी थ्री कॉस एम एक्स प्लस सी फोर साइन एम एक्स इन दिस फैशन यू कैन सॉल्व यू कैन सॉल्व दीज टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुक्स नंबर तो ये अच्छे से सीख लीजिए मैं यहां पर रुकता हूं तब तक के लिए बाय बाय